नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 में जो 13 अप्रैल 2023 को परीक्षा होने वाला है क्लास 8 का, ठीक है, उसके लिए सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन जो भी है इसमें वो सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के लिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप पूरा वीडियो को देखेंगे और साथ में सारे क्वेश्चन को समझेंगे और एक क्वेश्चन को भी नहीं, मतलब स्किप नहीं करना है आपको किसी क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को अटेंड करना है, सभी क्वेश्चन को देखना है और क्या इसका आंसर होगा सब मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और आप कोशिश कीजिएगा अपने से कि जब मैं आंसर बताऊँ उससे पहले आप उसका आंसर बता पाएँ, ठीक है। और साथ में मैं कोशिश करूँगा किसी एक क्वेश्चन को आंसर नहीं बताऊँगा, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और साथ में आपको अगर आप तक अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए तो आप जाइए, क्विज की तरह मैंने बना कर रखा है, भरोसा एकेडमी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाइए, वहाँ पर आप 3 लाइन्स पर क्लिक करोगे, वहाँ पर नीचे में टेस्ट ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक करोगे तो 8 और 9 दोनों क्लास के लिए है। वहाँ पर 8 और 9 जो भी आपका क्लास है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आपसे सब्जेक्ट पूछा जाएगा, सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट का देना चाहते हो दे सकते हैं, जिस चैप्टर का देना चाहते हो दे सकते हो, वहाँ से जाइए देख दीजिए और बताइए कि किस सेट में आपका कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हो, इसमें जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखते हैं, साथ में उसका क्या किस तरह से वो क्वेश्चन सारा है उस सारे क्वेश्चन चीज़ें को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्लास 8, ठीक है, क्लास 8 सोशल साइंस, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन स्टार्ट है, ठीक है। सही विकल्प को चयन करना है आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस महाद्वीप की कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो किस महाद्वीप की कंपनी थी, तो ये आपको मालूम होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो यूरोप महाद्वीप की कंपनी थी, मतलब ऑप्शन ए किसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ, प्लासी का युद्ध कब हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है और ये पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, ठीक है, तो आपको मालूम होगा 1757 ईस्वी, ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 ईस्वी, ठीक है। दूसरा तीसरा क्वेश्चन से यहाँ पर देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन, झारखंड के किस महान नायक का जन्म उलिहातू नामक गांव में हुआ था, तो किस महान नायक का जन्म उलिहातू नामक गांव में हुआ था, तो बिरसा मुंडा का, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट नहीं करना है आपको, याद कर लेना है। और यहाँ पर देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था, गवर्नर जो होता है वो कौन था, 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उस समय भारत का गवर्नर कौन था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। नवीकरणीय संसाधन का मतलब वो होता है कि जो हमें कुछ ही समय के बाद मिल जाए, ठीक है, वापस से मिल जाए, तो इसमें से नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से दोनों, सूर्य का प्रकाश भी हमें तुरंत मिल सकता है, हवा भी मिल सकता है, ठीक है, तो ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा और दोनों तो सही है। यहाँ पर देखिए 86 नंबर क्वेश्चन है, कपास की खेती किस मिट्टी में होती है, कपास की जो खेती होती है वो किस मिट्टी में होती है, तो आपको मालूम है कि कपास की जो खेती है वो काली मिट्टी में होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काली मिट्टी, ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है, झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है, तो ये आपका घाटशिला में स्थित है, तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप इसको देखिए कि किसका आंसर आप सही दे पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मैं अगर रुकूंगा तो आपको आपका ही मतलब ज़्यादा समय लगेगा और यहाँ पर ज़्यादा समय में लेना नहीं चाहता हूँ आपका, ठीक है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है कि झारखंड में कितने लोकसभा क्षेत्रों में, झारखंड में कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ठीक है, झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 14, ठीक है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ठीक है, 14। यहाँ पर देखिए 10 नंबर या 90 नंबर क्वेश्चन क्या है कि योगासन किस अवस्था में करना चाहिए, योगासन किस अवस्था में करना चाहिए, बालावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, इन सभी अवस्था में, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इन सभी अवस्था में अपना ऑप्शन मतलब 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 91 नंबर क्वेश्चन है कि सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है, सूरत जो बंदरगाह वो भारत के किस तट पर स्थित है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 पश्चिमी तट पर सूरत बंदरगाह जो है स्थित है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 92 नंबर क्वेश्चन से कि भारत में कौन सी संस्था कानून
बनाती है, जो भारत में कानून बनाती है वो कौन सी संस्था होती है, तो वो संसद बनाती है। भारत में कोई भी कानून बनता है वो कौन बनाती है, संसद बनाती है, ठीक है। तो ऑप्शन चार इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 93 नंबर क्वेश्चन से, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, आम चुनाव के बारे में पूछ रहे थे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 1951 में, ठीक है। अगर प्रथम आम चुनाव कब हुए थे 1951 में, वहीं पर ही अगर इसका अगर पूछा जाए कि प्रथम जनगणना कब हुआ तो वो भी 1951 में इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर 94 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किसने की थी, तो 8 अगस्त 1942, ये भी याद रखिएगा, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कब की गई थी, ठीक है। वहाँ पर आपका 8 अगस्त 1942 आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किसने की, तो आपको मालूम है महात्मा गांधी ने, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 94 का ऑप्शन एक बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन से 95 नंबर, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो 15 नवंबर 1875 में, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन एक इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि 15 नवंबर 1875 में झारखंड किस महानायक का जन्म हुआ था, ठीक है, तो उसमें बिरसा मुंडा का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, तो आप उस चीज़ को समझ जाइए कि किस प्रकार क्वेश्चन घुमाता है और इसको आपको कैसे जवाब देना है, ठीक है, वहाँ पर कैसे जवाब देना है, कैसे किसको टिक करना है, ठीक है, इस चीज़ को आप बिल्कुल समझे रहोगे। यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। नहीं, ये थोड़ा सा ईजी वाला क्वेश्चन छोड़ता हूँ, ठीक है। झारखंड के जैसे बिरहोर जाति है, कौन सा बिरहोर जाति है, ठीक है, तो बिरहोर जाति क्या है, जनजाति, ऑप्शन एक इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन एक इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, ठीक है, तो अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, मुंबई, इसको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, अहमदाबाद, ऑप्शन एक को मैनचेस्टर कहा जाता है, मैनचेस्टर नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है 98 नंबर, देख लेते हैं पहले इसमें कि इसका, हाँ, लास्ट वाला क्वेश्चन में आपको 99 नंबर जो क्वेश्चन जो आपको खुद करना है, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पद है, भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च संवैधानिक मतलब सबसे बड़ा पद कौन है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का, और अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, भारत का वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कि भारत में वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है वो बताना है, ठीक है, साथ में ये भी क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, ठीक है। 98 नंबर भी क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड में अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है, झारखंड में अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, या कमेंट बॉक्स में मैं बता दूंगा, अगर एक से दो घंटे का इंतजार करूंगा, अगर कोई जवाब दे देता तो सही है, नहीं तो उसके बाद मैं इसका जवाब आपको बता दूंगा, ठीक है। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है, तो किस खनिज को काला सोना कहा जाता है आपको मालूम होगा, कोयला को कहा जाता है, सॉरी पेट्रोलियम को कहा जाता है, ऑप्शन चार इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये इस वीडियो में हमारा टोटल 20 क्वेश्चंस थे, जो कि SST तो आए, सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस सबको कर लीजिए, कम से कम इस सबको तो कर ही लीजिए, ठीक है। और साथ में आप लोग का एडमिट कार्ड आज मिल ही गया होगा, नहीं मिला होगा तो आपको स्कूल से बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, क्योंकि स्कूल आप जाकर वहाँ से ले भी सकते हो, ठीक है। और तब तक आप अपना परीक्षा की तैयारी में लगे रहो, और टेस्ट अगर क्विज देना चाहते हो उसमें देखना चाहते हो कि आप कितना प्रतिशत तैयारी करके रखे हो, तो वो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट ऑनलाइन का एक लिंक दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप दे सकते हो, साथ में कमेंट्स बॉक्स में भी उसको डालने का कोशिश करते हूँ, ठीक है। और आप अपना तैयारी में लगे रहो, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करो, जो आपके स्कूल और कॉलेज में स्कूल और ट्यूशन में आपके साथ पढ़ते होंगे, ठीक है, उनके बीच इस वीडियो को शेयर करो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई करते रहो, थैंक यू।